ब्रदर मिशन के दास जी ने फाइनेंशियली ब्लेस किया, मेरे को ऑटो लेके दिया, अब मैं बहुत आनंदित हूँ घर में। हाँ जी, और अभी काम बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत अच्छा, पैसे की कोई तंगी नहीं है जी, बिल्कुल नहीं। ब्रदर क्या नाम है आपका? मेरा नाम करण है जी। कहाँ के रहने वाले आप? अमृतसर से। क्या टेस्टमनी आपकी, खुल के बताइए कि क्या हुआ था आपकी लाइफ में, कैसे क्या क्या हुआ था, खुल के बताना अपने भाई को। आप ट्रक ड्राइवर हैं जी, कैंटर गड्डी चलांदा सी ते एक्सीडेंट हो गया सी मेरा। आप ट्रक चलाते थे? जी, ट्रक ड्राइवर थे आप? जी ब्रदर। और हाईवे के ऊपर जब ड्राइव कर रहे थे तो एक बड़े ट्राले ने आपके कैंटर को, जो आपके आपके पास जो ट्रक था, बीच में आकर बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ आपका। यस ब्रदर। जब एक्सीडेंट हुआ क्या हुआ उस समय, आप ड्राइव कर रहे थे, आपको क्या हुआ? सर पीछे से उसने साइड लगाई तो गाड़ी ना पलट गई एकदम, ये हड्डियां दोनों टूट गई थी, ये लेग की मेरी, जो टांगों की दोनों साइड की हड्डियां वो टूट गई थी। हाँ जी। जब लोगों ने आपको निकाला उस ट्रक में से बाहर, कौन था वहां पे और आपके पास? कोई नहीं ब्रदर, वहां पे काम करने वाले लेबर थे बंदे, उन्होंने आके निकाला मुझे और पूछा कोई और तो नहीं है तुम्हारे साथ। हाँ जी। और जब उन्होंने आपको हॉस्पिटल में जब आपको लेकर गए तो डॉक्टर ने चेक करके बताया कि जो टांग की, दोनों टांगों की जो हड्डियां हैं वो पूरी तरह से फ्रैक्चर हो चुकी हैं, टूट चुकी हैं, और आपको लगातार ब्लीडिंग हो रही थी क्योंकि आपके इतनी भयानक चोट लगी थी उस ट्रक के कारण। जो ट्रक का जो अगला हिस्सा था जहाँ पे सीट होती है ड्राइवर सीट, वो पूरी तरह से मतलब पिचक पिचक गई थी वो, एक तरह से पूरी तरह से। यस ब्रदर। क्या हुआ उसके बाद जब डॉक्टर के पास गए हॉस्पिटल में, आपको जब भर्ती किया गया क्या बता रहे थे डॉक्टर वहां पे? ब्रदर उन्होंने, मेरा 6 ग्राम ब्लड रह गया था सिर्फ, और उन्होंने बोला इसका इलाज अमृतसर में ही होगा। पहले मेरे को पटियाला रेफर किया था इन्होंने यहाँ से एम्बुलेंस में, तो मेरे 4 ऑपरेट हुए हैं दोनों टांगों के, और उसके बाद भी मैं बिना सारे के नहीं चल सकता था कभी भी। 4 बार आपके ऑपरेट हो चुके थे ऑलरेडी? बिल्कुल, बिल्कुल। पर फिर भी आप अपने आप चल नहीं पा रहे थे, आपको किस सहारा लेना पड़ रहा था किसी चीज का। और जब आपका एक्सीडेंट हुआ, आपको जब हॉस्पिटल में रखा गया तो 6 दिन आपको वेंटिलेटर में आईसीयू के ऊपर रखा गया था। यस, यस, कोई होश नहीं थी वहां पे आपको? नो ब्रदर। 13 बोतल ब्लड की आपको चढ़ाई गई? यस ब्रदर। और जब डॉक्टर चेक करते थे तो उन्होंने उसके बाद बताया कि दोनों पैरों की हड्डियां और टांग की हड्डियां वो टूट चुकी है। यस ब्रदर। उसमें रॉड डाली गई? यस ब्रदर। प्लास्टर लगाए गए? यस ब्रदर। फिर भी डॉक्टर बोलते थे कि हम ऑपरेट कर देते हैं बट इसकी कोई गारंटी नहीं है। यस ब्रदर। जिसके कारण आप कभी चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे, ऐसी कोई गारंटी डॉक्टर नहीं बोलते थे आपको। यस ब्रदर। और लगातार इलाज करवाने के बावजूद भी, 4 ऑपरेट करवाने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं था आपको। यस ब्रदर। सारा दिन घर में बेड के ऊपर लेटे रहते थे? यस ब्रदर। फिर कौन आपको देखता था, टॉयलेट बाथरूम कैसे जाते थे आप? सर मेरी दादी है, दादा है, वो दोनों देखते थे, लैटरिन बाथरूम टोटली बेड पे था मेरा सारा। 4 बार ऑपरेट हो चुके थे? यस, और 4 से 5 लाख रुपए आपके ऊपर लग चुके थे इलाज के ऊपर? यस ब्रदर। और पूरा 1 साल आप पूरी तरह से बेड के ऊपर रहे? यस ब्रदर। अपने दादा दादी के ऊपर के, वही आपको उनके ऊपर डिपेंड हो चुके थे, वही आपको टॉयलेट बाथरूम कराने लेके जाते थे, वही आपको खाना बना के देते थे, अपने आप कुछ नहीं कर पाते थे। यस ब्रदर। जब 1 साल आप पूरी तरह से बिस्तर के ऊपर रहे, आप चल नहीं पाते थे, उस समय फिर दिल में क्या आता था आपके, क्या सोचते थे आप? सर यही सोचता था अभी मैं कभी चल पाऊंगा, साथ में देखता था यार दोस्तों को मेरी एज के जो भी हैं, तो मन में यही आता था कि मैं कभी चल नहीं पाऊंगा। आज छोड़ दी थी मैंने, आपने आज से छोड़ दी थी कि मैं कभी चल पाऊंगा, और यस, इसी चीज को सोच सोच के रोते रहते थे, डिप्रेशन में रहते थे। यस ब्रदर। आपको यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला? सर मेरी बुआ है, वो 4 साल से इस चर्च से जुड़े हैं, उन्होंने मुझे बोला एक बार आप जाओ सही चर्च में, आपको प्रभु चंगाई देगा। तो मैंने उनकी बात मानी, तो मैं 27 फरवरी को आया चर्च में पहली बार, तो मैं बहुत खुश था जिस दिन यहाँ पे आया, मैंने प्रभु की गवाहियों को सुना और इनको बहुत अच्छा लगा भी इतने इतने बड़े काम हो रहे हैं प्रभु के, तो मुझे भी चंगाई मिलेगी। तो विश्वास के साथ बैठा था मैं इमरजेंसी सेक्शन में। और 27 फरवरी जिस दिन पहले दिन आप चर्च में आए थे, तो उसी दिन प्रेयर हुई थी परमेश्वर के दास ने जो प्रार्थना की थी। यस ब्रदर। आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर। जितने व्हीलचेयर के ऊपर हील हो जा, बेल्टें लगी हैं हील हो जा, शिकंजे लगे कॉलर्स लगे, कोई भी रोग है चंगे हो जा, सारे रोग चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ।
जब आपने इस प्रार्थना को रिसीव किया, आप उस समय चर्च के इमरजेंसी सेक्शन में बैठे हुए थे। yes, brother. यहाँ पे बीमार लोग अलग जो सेक्शन है वहाँ पे बैठे हुए yes, थे। yes, brother. और जब प्रेयर हुई, क्या हुआ आपको बॉडी में उसी समय? brother, मेरे को एकदम ऑयल अप्लाई हुआ तो हल्का महसूस हुआ, मैंने चल के देखा तो मैं भागता ही गया आगे से कुछ। तारीफ करें जोर से, जोर से सब परमेश्वर का थैंक्स करें। आप बिलीव कर सकते हैं कि दोनों टांगों की, पांव की हड्डियां टूटी हुई थी, चार बार ऑपरेट करवा चुके थे, रॉड्स डली हुई थी, अपने आप एक कदम नहीं चल पाते थे, टोटली बेड के ऊपर थे, किसी के ऊपर लाइफ आधारित हो चुकी थी और यही सोचते थे कि मैं सारी उम्र कभी ठीक नहीं होऊंगा। पहले ही दिन, फर्स्ट डे, पहली बार जिस दिन चर्च में आए, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और उस भाई को जो पूरी तरह से बिस्तर के ऊपर था, बेड के ऊपर था, अपने आप पहले ही दिन ये भाई अपने आप चलना शुरू हुए। परमेश्वर ने इस भाई को हील किया। तारीफ करें जोर से सब परमेश्वर का थैंक्स करें। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। और उसी समय ये भाई आगे आए अपनी गवाही देने के लिए कि पहले ही दिन जो परमेश्वर ने इनको हील किया। आइए हम अपनी स्क्रीन के ऊपर इनकी उस दिन की दी गई गवाही को देखते हैं। इस भाई के टांगे पूरी तरह से सूखनी शुरू हो गई थी और एक टांग के तीन ऑपरेशन, दूसरी टांग का एक ऑपरेशन हुआ और पूरी तरह से जान नहीं थी और छड़ी के सहारे चलते थे। और पास्टर जी, आज टांगों में जान आई, चार ऑपरेशन फेल हुए, लेकिन तू तो ने आज ऑपरेशन किया है, टांगों में बल आया और ये भाई आज चलने लगा बिना किसी सहारे के। रूहे खुदा जब माया, क्या करते हो, काम क्या करते हो? काम सर, मैं गाड़ी चलाता था। चलाता था? हाँ जी। मतलब अब नहीं चलाते? अब एक्सीडेंट हो गया था, गाड़ी पलट गई थी। कौन सी गाड़ी? ट्रक चलाता था, कैंटर 6 चक्की। क्या किराए पे था या अपना था या ड्राइवर थे? नहीं, ड्राइवर, ड्राइविंग करता। अब शादीशुदा हो? नहीं, अनमैरिड। तो काम क्या करते हो? कुछ नहीं काम अभी सर, दादी है, दादा है, बस दुकान है हमारी छोटी सी। कौन सी? करियाने की? हाँ, करियाने की दुकान। वहाँ बैठते हो? हाँ, वहाँ पे बैठ। अब खुद बैठते हो? यस। ओके, मैं अपनी टीम को भेजूंगा तुम्हारे पास। यस। ओके? ओके। तो मैं ऑटो लेके दूंगा या कुछ भी ऐसा करूंगा, लेकिन तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। प्रभु ने तुम्हें छुआ है। ओके, ये परमानेंट हीलिंग है, सुनो मेरी बात। यहाँ से जाओ, क्रिश्चियन लाइफ बिताओ। ठीक है। दारू पीने मत चले जाओ। ठीक। ब्लू फिल्म देखने मत चले जाओ। ठीक। क्रिश्चियन लाइफ बिताओ, पवित्र लाइफ बिताओ। तुम हैरान हो जाओगे, मैं तुमको सच कह रहा हूं। yes. तुम्हारी वाइफ ऐसी होगी, तुम जिन जड़े अपने आप चंगा भला कहते हैं, वो भी तेरे तो जेलसी करेंगे। मैं Amen. सच कह रहा हूं। Amen. वो जेलसी करेंगे तुमसे। मैं सच कह रहा हूं, मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं। ओके, मैं अब टीम भेजूंगा, वो तुझसे बात करेगी तुझे क्या चाहिए, ताकि फाइनेंशियली तू कभी कमजोर ना रहे। थैंक यू लॉर्ड। तारीफ करो जोर से, जोर से, जोर से तारीफ करें सब जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें अपने हाथों को उठाते हुए। क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में, बताइए अभी। ब्रदर, मिश्र के दास जी ने फाइनेंशियली ब्लेस किया, मेरे को ऑटो लेके दिया, अब मैं बहुत आनंदित हूँ घर में। हाँ जी। और अभी काम बहुत अच्छे से चल रहा है? बहुत अच्छा। पैसे की कोई तंगी नहीं है? जी बिल्कुल नहीं। चलने फिरने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है? आप चल के देखिए, चलिए। तारीफ करें जोर से, सब खड़े हो जाए अपनी जगह के ऊपर, खड़े हो गए अपने हाथों को हिलाते हुए सूर्य की ओर। सब ऑनलाइन चर्च ब्रांचेस, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। आप उस व्यक्ति को चलता हुआ देख रहे हैं जिनकी टांगों का चार बार ऑपरेशन हो चुका था, चार बार ऑपरेट करवा चुके थे और पूरी तरह से बेड के ऊपर थे, टॉयलेट, बाथरूम, खाना पीना सब बेड के ऊपर था, कोई बॉडी में सुधार नहीं था। ऑपरेट होने के बावजूद भी, इलाज करवाने के बावजूद भी, सब कुछ खत्म हो चुका था, आस टूट चुकी थी मैं कभी ठीक हो पाऊंगा, लेकिन पहले ही दिन, फर्स्ट डे, पहली बार जिस दिन चर्च में आया, होली स्पिरिट ने छुआ और ऐसा छुआ कि आज वो व्यक्ति आपके सामने बिना किसी सहारे से उठ के अपने आप चल पा रहा है, हील हो चुका है, ब्लेस्ड हो चुका है, फाइनेंशियली ब्लेस्ड हो चुका है। परमेश्वर ने चारों दिशाओं से इस भाई को हील किया, इसको ब्लेस्ड किया। अपने हाथों को उठाए और जोर से सब परमेश्वर की तारीफ करें, थैंक्स करें परमेश्वर का।
इस हीलिंग के लिए अपने होंठों को खोल के धन्यवाद यीशु बोले, थैंक यू जीसस बोले, थैंक यू जीसस बोले कि परमेश्वर ने इस भाई को हील किया। सब जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं, सब 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 परमेश्वर के नाम को महिमा दे। स्पीक हीलिंग के लिए, बड़े परमेश्वर के काम के लिए सब तारीफ करते जाएं।